हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, उभरा हुआ सा रहता है ये पैटर्न। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। ये 6 फंदों का डिज़ाइन है, इसमें 6 के मल्टीपल में फंदे पड़ेंगे प्लस 1 फंदा, और 2 फंदे मैंने और एक्स्ट्रा ले रखे हैं। तो मतलब 6 के मल्टीपल में पड़ेंगे और 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक्स्ट्रा स्टिच है, ये हमने ऐसे निकाल ली। धागा का आगे करेंगे और ये एक फंदा उल्टा बिनेंगे। फिर इन 2 फंदों का एक करना है हमें। देखिए ऐसे सिलाई डाल के सामने से ये धागा पीछे कर लेने पहले। ये ऐसे सिलाई डाल के 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, यहाँ पर जाली आएगी और एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। देखिए धागा आगे होना चाहिए और ये फंदा हम सीधा बिनेंगे। फिर हम धागा आगे करेंगे, यहाँ पर दूसरी जाली आएगी और इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो पहले इसको हम ऐसे पलट लेंगे फंदे को पहले वाले, और फिर इन 2 फंदों के पीछे से सिलाई डाल के इनका एक कर देंगे। फिर धागा आगे करेंगे और फिर हमारा वही स्टार्टिंग से शुरू हो गया है। ये एक फंदा उल्टा बिना हमने, फिर इन 2 फंदों का एक करा, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और ये पलटा फंदा और पीछे से सिलाई डाल के इसे एक कर दिया। फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। ये पूरी सिलाई हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। उल्टा, फिर इन 2 का एक करेंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, फिर एक आगे करके को ऐसे सीधा बिन देंगे। धागा आगे करेंगे, फिर दोबारा से वही प्रोसेस है। एक उल्टा बिना, धागा पीछे करा, इन 2 का एक करा, फिर धागा आगे करा, एक फंदा सीधा बिना, फिर धागा आगे करेंगे और इन 2 फंदों का एक कर लेंगे। इनको पलट लीजिएगा पहले। फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बिना, और फिर ये हमारी एक्स्ट्रा स्टिच है, इसे हम सीधा कर लेंगे। रॉन्ग साइड में हमें इसके क्या करना है, रॉन्ग साइड में हमने जो फंदे उल्टे बिने हैं पीछे वो हमारे सीधे जाएंगे, और जो फंदा हमने सीधा बिना है वो हमारा उल्टा जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये वाला फंदा उल्टा है यहाँ पे, इससे पहले के ये वाला फंदा हमारा उल्टा है, तो ये हमारा सीधा बनेगा। ये हमारा एक्स्ट्रा स्टिच थी, ये हमारा उल्टा था पीछे फंदा, तो ये हमारा सीधा बन गया। फिर धागा आगे करेंगे और 1, 2, 3, 4 अब 5 ये फंदे हमारे सीधे थे। अब देखिए ये उल्टा है हमारा, ये देखिए फिर उल्टा है, धागा पीछे करके हमें इसे सीधा बिनना है इस साइड। फिर धागा आगे करके फिर हमारे 5 फंदे सीधे थे, उन्हें सीधे बिन लेंगे। 1, जाली आएगी, जाली वाला फंदा ऐसे बिन लेंगे सीधा उल्टा। 2, 3, 4, 5 फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। धागा आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे बिनेंगे। 2, 3, 4, 5 ये पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट होगी।
ये देखिए ऐसे आएगा। अब नेक्स्ट सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, बस सीधे जो फंदा हमने उल्टा बिना था ये हमारा एक्स्ट्रा है, फिर ये फंदा हमने उल्टा बिना था इसे उल्टा बिनेंगे, और बाकी के पांच फंदे हमने सीधे बिने थे वो हम सिंपल सीधा बिन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा आगे करेंगे, ये एक फंदा उल्टा था इसे उल्टा बिनेंगे, फिर पीछे करेंगे फिर पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा, ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट रो ये हमारी रॉन्ग साइड है, फिर हमें वही करना है जो हमने पीछे उल्टा बिना था उसे सीधा, और जो सीधा बिने थे उसे उल्टे, तो ये हमारा सीधा उल्टा फंदा था तो इसे हम सीधा बिनेंगे, फिर पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा स्टिच है, ये देखिए इतना डिजाइन हमारा बन गया है। अब हमें ये जो हमारा ये ऐसे करके खुला हुआ आ रहा है ये हिस्सा, अब इसे हमें बंद करना है। तो पहले एक बार डिजाइन बना, फिर हमने सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा बिना, अब फिर से हमें फिर करना है। ये हमारी एक्स्ट्रा स्टिच है, फिर ये हमारा उल्टा फंदा था, इस बार हम इसे सीधा बिनेंगे। सीधा बिना, फिर धागा आगे करेंगे, और पहले हम इन दो फंदों को ऐसे करके एक कर रहे थे, अब की बार हम इन दो फंदों को क्योंकि हमें बंद करना है तो ये पलट लेंगे और पीछे से सिलाई डाल के एक करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, अब हमारा ये बीच वाला फंदा उल्टा बनेगा, फिर धागा पीछे करेंगे, अब ये दो फंदे एक हो जाएंगे। अब ये पहले हम पीछे से सिलाई डाल रहे थे, अब हम ऐसे आगे से सिलाई डाल के इसे एक कर लेंगे, फिर हमारी यहाँ पे जाली बनेगी। ये देखिए एक बार यहाँ पे जाली बनी है ये जो बंद हो रहा है, और एक बार इधर पे बनेगी जो बंद हो रही है। तो धागा आगे करेंगे और ये वाला उल्टा फंदा है इसको हम सीधा बिनेंगे, फिर अब यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है ये, तो यहाँ पे भी जाली बनेगी, धागा आगे करेंगे और इन दो फंदों का एक कर लेंगे, तो इसको पहले पलट लेंगे और फिर पीछे से सिलाई डाल के इनका एक कर देंगे, फिर जो फंदा बीच का सीधा चल रहा था उसे हम यहाँ पर उल्टा बिनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और इन दो फंदों को ऐसे सिलाई डाल के एक कर लेंगे। ये पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट होगी। फिर ये हमारा उल्टा फंदा है इसे हमें सीधा बिनना है, तो धागा आगे करेंगे, जाली आएगी यहाँ पे, इसको सीधा बिन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और इन दो फंदों का एक कर लेंगे, पहले से पलट देंगे और ये दो का एक कर दिया, पीछे से सिलाई डाल दी,
फिर ये बीच का फंदा है, इसको उल्टा बनेंगे धागा आगे करके, फिर धागा पीछे करके इन दो फंदों का एक करेंगे। अब यहाँ पे जाली आएगी, ये देखिए हमारा ये बंद हो रहा है, यहाँ पे भी जाली आएगी तो धागा आगे करेंगे और ये उल्टा फंदा है इसे सीधा कर देंगे। ये पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट होगी। अब ये लास्ट स्टिच है हमारी, सिर्फ सीधा रह गई है। अब रॉन्ग साइड में हमें फिर वही करना है, जो हमने पीछे उल्टे बिने थे उन्हें सीधा करना है और जो सीधे बिने थे उन्हें उल्टा करना है। अब देखिए, अब उल्टा फंदा हमारा, ये बीच वाला फंदा उल्टा हो गया है, इससे पहले सारे सीधे हैं, इसके बाद वाले सीधे हैं, तो ये वाला फंदा हमारा उल्टा हो गया है। तो इससे पहले 1 2 3 4 ये फंदे हम पीछे से उल्टे बनेंगे क्योंकि वो सीधे फंदे हैं। तो ये 1 2 3 4 फंदे, फिर धागा पीछे करा, ये एक उल्टा है इसको हम सीधा कर लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और 5 फंदे उल्टे बनेंगे, ये 1 2 3 4 5, फिर ये हमारा फंदा सीधा है पीछे, उल्टा है पीछे से, तो धागा पीछे करा और एक सीधा बिना, फिर धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4 5, ये पूरी सिलाई ऐसी ही होगी, धागा पीछे करा, एक सीधा बिना, फिर 5 उल्टे, 1 2 3 4 5, फिर धागा पीछे करेंगे सीधा, फिर बाकी के लिए 4 फंदे बचे हैं ये उल्टे हो जाएंगे, 1 2 3, और ये लास्ट वाला एक्स्ट्रा स्टिच थी, ये देखिए ये हमारा बंद हो गया। अब इसकी नेक्स्ट लाइन में हमें फिर सिंपल ही बिनना है, जो सीधे हैं हमें उन्हें सीधा करना है और जो उल्टा है उसे उल्टा करना है। एक्स्ट्रा स्टिच, ये 1 2 3, ये हमारे सीधे हैं, ये हमारा उल्टा है तो हम इसे उल्टा करेंगे, धागा आगे करा, ये उल्टा, फिर धागा पीछे करा, अब ये सीधे हैं जो सीधे बिनेंगे वो, 1 2 3 4 5, फिर ये देखिए उल्टा आया, धागा आगे करा, ये सिलाई पूरी ऐसी कंप्लीट होगी, 5 सीधे और 1 उल्टा। एक्स्ट्रा स्टिच है, रॉन्ग साइड में भी वही करना है, जो हमारे पीछे सीधे थे वो उल्टे और जो उल्टा था वो सीधा। देखिए 1 2 3 4, ये सीधे बनाए थे हमने, उल्टे बना दिए, पीछे करा, ये हमारा सीधा बनेगा, फिर धागा आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, फिर धागा पीछे करा, 1 फंदा सीधा, ये पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट होगी हमारी।
ये देखिए हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये।